रुकिए, अब क्या हो गया बिंदिया? चोरी का तमाशा तो खत्म हुआ भाभी, पर दूसरा अभी बाकी है। ये तुम क्या बात कर रही हो बिंदी? हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो तुम छुपा रही हो पल्लू। अब हमको जल्दी से बताओ कि क्या छुपा रही हो। हम तो कुछ नहीं छुपा रहे। अगर तुम कुछ छुपा नहीं रही हो तो फिर अपनी मुट्ठी काहे नहीं खोल रही हो। हम बताते हैं। नहीं कृष, डोंट। लाओ पाए, हमें दो। पायल ये छुपा रही थी, पायल प्रेग्नेंट है मम्मी। बिंदिया ने क्या पायल को कृष के सामने एक्सपोज। हमने सुहागन के एपिसोड में देखा था किस तरीके से जो साक्षी है वो बिंदिया और उसके घर वालों के ऊपर इल्जाम लगा देती है चोरी का, हार चोरी का। और लेकिन भाई चोर तो कोई और ही निकलता है, उसकी जो मौसी होती है साक्षी की, वो चोर निकलती है। और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है वाली। लेकिन अब दूसरी कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं एपिसोड में किस तरीके से बिंदिया ना रोकती है घर वालों को और पायल को, और बोलती पायल तुम अपने हाथ में क्या छुपा रही हो। और हमें पता ही है ना कि पायल ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है प्रेगनेंसी का, और यहाँ पर उसने कृष को तो पागल बना ही दिया है। वो घर वालों को भी अपनी बातों में और प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट से पागल बना देगी। वो कहती है कुछ नहीं है मेरे हाथ में, तो बिंदिया कहती है नहीं कुछ तो है। और फिर वो दिखाती है प्रेगनेंसी वाली अपनी जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो दिखा देती है। और यहां पर ना कृष बोल देता है उस किट को लेकर के, देखो ये जो पायल है वो प्रेगनेंट है, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। जिसके बाद ना कृष की मां तो भाई बहुत इमोशनल हो जाती है, पायल को आके वो गले लगा लेती है और बोलती है कि भाई उसकी नजर वजर उतारती है कि हमें वारिस मिलने वाला है, कृष और पायल का बच्चा होगा। लेकिन इन सब चीजों को देखकर ना बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। बिंदिया कहती है ये कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रही है पायल। तो वही बिंदिया फिर बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, तुमने अपनी किट से टेस्ट किया है ना, अब मैं अपनी किट लेकर आती हूँ और उससे टेस्ट करते हैं और फिर पता लगाएंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। अब भाई पायल के लिए तो ये चैलेंज हो गया है। अब देखना होगा कि पायल कैसे करती है, क्या कुछ खेल करेगी, क्योंकि भाई पायल को तो किसी भी तरह प्रूफ करना है कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं तो उसको पता है कि इस बार अगर ये प्लान उसका फेल हो गया तो भाई वो तो घर से सीधी बाहर निकाली जाएगी। तो अब देखेंगे। वैसे मेरे को तो लगता है कि पायल शायद ये प्रूफ कर लेगी किसी ना किसी तरह बिंदिया और सबको पागल बना देगी। तो अगर हम बात करें सुहागन के एपिसोड की, तो बहुत सारे वीडियोस भी हम देख रहे हैं कि भाई शायद हो सकता है कि जो बिंदिया है ना वो अपनी याददाश्त खो देगी। हो सकता है कि वो नाटक भी कर रही हो पायल को एक्सपोज करने के लिए। लेकिन यहां पर ये सुनने में आ रहा है कि जो बिंदिया है उसकी याददाश्त चली जाएगी, वो सब भूल जाएगी, पायल क्रिश सबको भूल जाएगी। और यहां पर जो क्रिश है ना शायद उसकी देखभाल करेगा। और यहां इस बीच में हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग बन जाए और वो शायद क्रिश जो है वो पायल को थोड़ा सा पीछे छोड़ दे, ये भी हो सकता है। या हो सकता है वाकई में उसकी याददाश्त चली जाए, ये तो देखने लायक होगा। क्योंकि अब तो बिंदिया को किसी भी तरह ना पायल को एक्सपोज करना है, उसका जो प्रेगनेंसी का सच है वो सबके सामने लेकर आना है।